Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लुधा। मित्रों, यहाँ पर मिलती है बिल्कुल सही खबरें, बिल्कुल सही तरीके से टेस्ट यहाँ लिए जाते हैं, यहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे शिक्षण विधियों की क्लास भी लगाई जाती है। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ रीट भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जो महत्वपूर्ण खबर जो आज अखबार में आई है, पत्रिका में आई है, तो बिल्कुल मैं उस खबर का विश्लेषण करूंगा। तो एक बार पहले पूरी बात सुनिए कि पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई ये खबर आई है, अब थोड़ी सी देर बाद उस खबर को पूरा पढ़ेंगे। उस खबर को पूरा पढ़ने के बाद में उसका विश्लेषण किया जाएगा कि आखिर इस खबर से क्या निष्कर्ष निकलता है। उसमें शिक्षा मंत्री हमारे जो हैं गोविंद सिंह जी, उनको उनका भी बयान उसमें सम्मिलित है। उस बयान का विश्लेषण क्या निकलता है, पैटर्न क्या निकलता है, ये सभी चीजें आज देखने वाले। तो मित्रों, पहले देखते हैं इस खबर को। तो चलिए पहले खबर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, खबर ये आई थी कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 31,000 पदों के लिए बढ़ सकती है परीक्षा तिथि। फिलहाल 2 अगस्त को प्रस्तावित है परीक्षा, पैटर्न स्पष्ट नहीं। तो मित्रों, एक बात और है, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें मैं विश्लेषण करने वाला हूं कि ये जो खबर आई है इसका भर्ती पर कुछ असर भी है या नहीं, या फिर यह खबर ऐसे ही दे दी गई है। तो बिल्कुल एक बार खबर को पढ़ेंगे, फिर खबर पूरी पढ़ने के बाद में मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट करूँगा और बिल्कुल सही तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो प्लीज़ एक बार खबर पढ़ने के बाद उस विश्लेषण को जरूर से ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं खबर क्या थी कि गत जनवरी में प्रदेश भर में 31,000 पदों पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2 अगस्त को कराने की घोषणा की गई थी। हालांकि मार्च तक इसका नोटिफिकेशन नहीं निकला, फिर अब कोरोना वायरस के चलते लागू 21 दिन के लॉकडाउन के कारण उक्त परीक्षा तिथि आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं लॉकडाउन के बाद हालात सामान्य होने को लेकर भी विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है। उधर शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति के बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा। हालात सामान्य होने के बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक की जाएगी, इसके बाद विद्यार्थियों को उचित समय जरूर दिया जाएगा। हालांकि परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। मित्रों, इसके साथ ही इसमें एक ये था कि रीट का पैटर्न स्पष्ट नहीं, रीट के पैटर्न के बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है। परीक्षा अगस्त में ही होती है, तो स्थिति सामान्य होने पर सरकार को पैटर्न आदि के बारे में जल्दी निर्णय लेकर विज्ञप्ति जारी करनी होगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश संयोजक उपेन यादव के अनुसार पाठ्यक्रम और विज्ञप्ति जारी होने पर 11 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों के सक्षम असमंजस की स्थिति नहीं होगी, समक्ष असमंजस की स्थिति नहीं होगी। तो दोस्तों, खबर तो ये थी, अब मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज यहाँ पे विश्लेषण बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि मेरा विश्लेषण क्या कहता है। तो मित्रों, खबर पढ़ी, अच्छी तरह से देखा, अब बात करने वाले हैं कि इस खबर से क्या निष्कर्ष निकलता है। जैसा कि इस खबर में लिखा हुआ है कि पूर्व में 2 अगस्त निर्धारित थी, लेकिन वर्तमान में 21 दिन का जो ये लॉकडाउन है, अभी इसका क्या असर पड़ेगा भर्ती पर, और साथ में ही जो अभी पैटर्न निर्धारित नहीं है उस पैटर्न का भी क्या असर पड़ेगा, तो ये चीजें इस पर डिस्कस करने वाले हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा है कि जिस दिन विज्ञप्ति निकलेगी उसके 3 महीने बाद ही एग्जाम हो सकता है। कम से कम 3 महीने का आपको तैयारी के लिए टाइम जरूर दिया जाएगा विज्ञप्ति निकलने के बाद में। तो एक विश्लेषण बताता हूं कि 2 अगस्त को पेपर है, तो आपके मई जून जुलाई, ठीक है, मतलब अप्रैल के लास्ट में विज्ञप्ति निकलना तय है। अगर जो 2 अगस्त को पेपर होता है तो अप्रैल के लास्ट में विज्ञप्ति निकलना तय है, क्योंकि अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई, ये 3 महीने बचते हैं। अब देखो, अपने 14 अप्रैल तक तो लॉकडाउन की स्थिति है, इसके बाद में मेरा एक इस खबर के आधार पर विश्लेषण बता रहा हूं, इसमें मेरा यू नहीं है कि मैं आपको कोई गलत या ऐसा तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। तो अब 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, उसके बाद जो स्थिति होगी स्पष्ट, उससे साफ पता चल जाएगा कि हाँ लॉकडाउन हटेगा या नहीं हटेगा। अगर लॉकडाउन हट जाता है, समझना है, लॉकडाउन अगर हट जाता है तो फिर उसके बाद में गवर्नमेंट के पास 15 दिन या फिर यूं मान लो 1 महीने के अंदर सिलेबस निश्चित करने के साथ ही, पैटर्न निश्चित करने के साथ ही
जो सेकंड लेवल वाला जो मामला चल रहा है रेशियो का, उसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज पेपर कराने के साथ ही उनको विज्ञप्ति भी निकालनी होगी किसी भी हालत में, तब जाकर 2 अगस्त को पेपर हो सकता है। अब अपने दिमाग में आता है कि यार अगर 2 अगस्त को पेपर होगा या नहीं होगा, ज्यादातर सभी ये सोच रहे हैं कि 2 अगस्त को पेपर नहीं होगा, ठीक है, मैं भी ये सोच रखता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन आप अगर ये सोच रखते हैं कि नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान क्या होगा मैं बताऊं आपको, कि उसमें अपने दिमाग में ये बैठेगी करे यार पेपर तो हो गए नहीं, आराम से पढ़ते रहेंगे, तो ये जो पढ़ाई का जो रोटेशन चल रहा है ये आपका टूट सकता है पूरा, और पढ़ाई का रोटेशन टूटते ही सक्सेस का रोटेशन भी टूट जाता है, तो दोनों में बहुत ज्यादा संबंध है। आपको दिमाग में लेके चलना है, नहीं भले नहीं होगा, ठीक है भले नहीं होगा, लेकिन सोच के रखना है कि 2 अगस्त को पेपर होगा, उसी आधार पे तैयारी करें, उसी आधार पे उसी राह पर चलते रहे, और अगर वो आगे देखा जाएगा कि पेपर कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी जारी रखे, पेपर 2 अगस्त को ही होगा ये दिमाग में बात रखना है बिल्कुल, चाहे नहीं होगा वो अलग चीज है। इस खबर का मैंने विश्लेषण किया है बिल्कुल, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, कमेंट करके जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।